वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए और ऑल पे ओके कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कंपाउंड किस तरह से बनाया जाता है, क्या तरीका होता है कंपाउंड बनाने का, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा प्लीज़ देखते रहिए। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, तो बाकी नेक्स्ट हम कुछ दिनों में एक लाइव वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि पूरा A to Z सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लाइव आऊँगा मैं, अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ये अभी कंपाउंड बनाने जा रहे थे जर्दे के लिए। तो बाकी गुलाब, मिट्टी, मेहंदी, मोतिया, हीना, बेला सारे जो अतर हैं वो इसमें पड़ रखे हैं, क्योंकि सारे अतर का कॉम्बिनेशन एक तरीके से मिलाया जाता है क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो सारे मैंने मिला रखे हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि कंपाउंड है वो बहुत ही कम लोग कंपाउंड बनाते हैं, बहुत ही कम लोग सेट कर पाते हैं इस चीज़ को। बाकी ऑल ओवर इंडिया आप ज़्यादातर देखेंगे जो अतर वाले हैं वो भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं कंपाउंड को, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल काम होता है खुशबू को सेट करना, एक परफेक्ट खुशबू भी आना और उसको टेस्ट में भी आना। तो ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो कंपाउंड को हम किस तरीके से बनाते हैं, एक बेसिक सा तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों जो हम कंपाउंड बनाते हैं तो सबसे पहले चाहे वो अगरबत्ती का कंपाउंड हो गया, चाहे वो आपका पान मसाला जर्दे का हो गया, खैनी का हो गया, जो भी सेंट वगैरह रहते हैं ऊपर छिड़कने वाले, डियो वगैरह फॉर्मूले, डियो वगैरह जितने भी रहते हैं फॉर्मूलेशन सबका सेम होता है कि जैसे मान के चलिए फर्स्ट जो हमको लेना है वो बेस नोट तैयार करना है। अब बेस नोट में क्या क्या आइटम चल रहे हैं, हीना, मेहंदी, अतर, ये गुलाब, ये सारी चीज़ें। दूसरा जो है वो हमको मिडिल नोट लेना है, मिडिल में क्या क्या डलेगा। तीसरा जो है वो टॉप नोट। इन चीज़ों में ध्यान में रख के बेस, मिडिल, टॉप, अब इसमें क्या क्या चीज़ें डल रही हैं, किस क्वांटिटी डल रही हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो कोई परफेक्ट कंपाउंड बनाने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बार चीज़ें सेट करी तो बन जाएगा। वो कंपाउंड का टेस्ट एकदम ख़राब भी हो सकता है, तो क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान दे के इस चीज़ को सेट किया जाता है। अब इसमें जैसे कि नेचुरल केमिकल मिक्स रहते हैं तो उसमें भी दिक्कत रहती है कि केमिकल जो है वो नेचुरल का भी टेस्ट ख़राब कर सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के दोस्तों बेसिक आपने थोड़ा समझा कि किस तरह से हम कंपाउंड को सेट करते हैं। बाकी का हज़ारों केमिकल आता है आपको भी पता है, एंड सैकड़ों अतर्स भी आते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमको एक अच्छी खुशबू जनरेट करनी है और उसका एक टेस्ट भी बेहतर तैयार करना है जो लोगों को स्वाद दे। काफ़ी सालों में हज़ारों कंपाउंड के जो फॉर्मूलेशन है वो बना बना के काफ़ी नुकसान हुआ, तो वो उस तरह से हमने चीज़ें कुछ सेट की हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में, तो देखते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, पूरा टोटल ऑल जो स्टार्टअप होता है उसमें किस तरह से क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उसके लिए लाइव बनाने वाला हूँ। तो आपके क्वेश्चन हो तो आप पूरा वहाँ पे मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।